हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोल्टाज का एसी, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अभी आने वाला समय एसी का है सीज़न, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए वोल्टाज के 3-स्टार रेटिंग मॉडल्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली एसी में कस्टमर्स की कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कितने टन का एसी लगाएं, क्योंकि बेसिकली जो एसी आता है 1 टन 1.5 टन 2 टन, तो कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि मैं अपने रूम में कितने टन का एसी लगाऊं। इसके बारे में आज बात करते हैं हम। उससे पहले जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली जो कंपनी बोलती है उसमें मैं आपको आज सीधा सा बताता हूँ कि अगर आपका रूम 10x10 यानी कि 100 स्क्वायर फिट का है तो आप उसमें 1 टन का एसी लगा सकते हैं। अगर आपका रूम 10x15 का है या 150 स्क्वायर फिट का है तो उसमें आपका 1.5 टन का एसी लगेगा। अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फिट का है तो उसमें 2 टन का एसी लगेगा। तो इस हिसाब से अपने रूम के अंदर आप एसी लगा सकते हैं। अब मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 1.5 टन के एसी के बारे में बताता हूँ। ये जो एसी आप देख रहे हैं ये वोल्टास कंपनी का 3-स्टार रेटिंग में 1.5 टन का एसी है। ये जो एसी है 1.5 टन का, साथ में ये एडजस्टेबल भी है। एडजस्टेबल में बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये एसी आपका 1.5 टन का है, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं 1 टन के अंदर। नॉर्मली क्या होता है, इन्वर्टर एसी है तो वैसे ही आपकी 40% पावर सेवर होता है। ये नॉर्मल एसी से आपको 40% बिजली की खपत कम होती है इसके अंदर। ऊपर से ये एडजस्टेबल हो जाता है तो वहाँ भी आपकी बिजली की बचत होती है। 3-स्टार रेटिंग में आपको मिल जाएगा, 1 और 1.5 टन में एडजस्ट हो जाता है। प्लस इसके अंदर जो आपको मिलता है यहाँ पर मैजिक डिस्प्ले भी आता है। जब आप एसी को प्लग इन करते हैं तो इसमें यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलती है जिसमें आपको टेम्परेचर का पता चलता है कि आपका एसी कितने टेम्परेचर पर चल रहा है। प्लस इसके बारे में बात करते हैं तो 100% कॉपर के अंदर होता है। और इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इसकी 100% कूलिंग एफिशिएंसी 5100 वाट होती है और 50% पे आपकी 2550 वाट हो जाती है। इसी में आपको R32 गैस के अंदर मिल जाता है। और इसी में आपको अगर 4-स्टार रेटिंग में मॉडल चाहिए तो 4-स्टार रेटिंग में ये मॉडल आपको मिल जाएगा। 4-स्टार रेटिंग के मॉडल्स के अंदर भी आपको पावर सेवर का फ़र्क आता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। 100% कॉपर के अंदर मिलेगा ये भी आपको, 100% कॉपर हो जाएगा, पावर सेवर हो जाएगा। 3-स्टार और 4-स्टार रेटिंग का फ़र्क आएगा, दोनों मॉडल सेम है, सिर्फ वोल्टेज का फ़र्क आ जाता है। वारंटी की बात करते हैं तो अभी 1 साल कंप्लीट और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी चलती है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो प्राइसिंग की अगर 3-स्टार रेटिंग की हम बात करते हैं, ये जो मॉडल नंबर है ये 183VCA ZS मॉडल आता है। इसका जो MRP है लगभग 60+ MRP होता है और आपको जो मार्केट में मिल जाएगा अंडर 35,000 यानी 35,000 के अप्रोक्स आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। 1 और 1.5 टन में 2-स्टेप कन्वर्टेबल एसी होता है। 100% कॉपर के अंदर आपका एसी होगा, मैजिक डिस्प्ले में आपका आ जाएगा। अगर 4-स्टार रेटिंग की बात करते हैं तो 4-स्टार रेटिंग के जो MRP है वो 70,000 रुपये के आसपास आ जाती है। इसका जो सेलिंग प्राइस आपको पड़ जाएगा लगभग 37,000, अंडर 37,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। इसी में 5-स्टार एसी भी आता है। 5-स्टार एसी अगर आप जाते हैं तो 5-स्टार एसी भी आपको मिल जाएगा। ये मॉडल है 5-स्टार रेटिंग के अंदर। ये 5-स्टार रेटिंग मॉडल आपको 80,000 MRP होता है, लेकिन ये मॉडल आपको आफ्टर डिस्काउंट पड़ जाएगा लगभग 42-42,500 रुपये की रेंज में आपको पड़ जाएगा। ये भी 2-स्टेप कन्वर्टेबल एसी होगा। ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 2-स्टेप कन्वर्टेबल एसी होगा, 5-स्टार रेटिंग के अंदर आपका होगा। तो प्राइस रेंज आपको मैंने बता दिया, इसमें आपकी स्टेट वाइज या आपकी सिटी वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो एसी के अंदर हमें 2-3 चीज़ें मेन होती हैं कि आपका एसी कॉपर के अंदर होना चाहिए, आपके एसी के अंदर जो है वारंटी अच्छी होनी चाहिए, आपके एसी की सर्विस प्रोडक्ट जो है यानी कि आफ्टर सेल सर्विस बैकअप कंपनी का अच्छा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों में वोल्टाज बेस्ट है एसी के अंदर, और मार्केट का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है वोल्टाज। टाटा का प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, रेट वाइज रीजनेबल है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप एसी लेने की सोच रहे हैं तो आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।